कुंडली में शनि की स्थिति क्या वाकई हमारे शिक्षा पर अच्छा या बुरा असर डालती है, साथ ही साथ कुंडली के पहले भाव में शनि हो तो स्टूडेंट का स्टडीज में कैसा स्तर रहता है? पंडित जी देखो, शनि देव को समझने के लिए महर्षि पाराशर ने कहा है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को आम तौर पर एक दुखदाता ग्रह के ही रूप में देखा जाता है और इनका अध्ययन भी ज्योतिष शास्त्र में इसी दृष्टि से होता है। अब रही बात शिक्षा की, तो शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य ग्रह हैं, लेकिन ये कौन सी शिक्षा देते हैं? बलवान और मजबूत शनि इंजीनियर बनाता है, बलवान और मजबूत शनि वकील बनाता है, बलवान और मजबूत शनि जज बनाता है, बलवान और मजबूत शनि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करता है। शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुख्य ग्रह है। इसके शुभ भाव या लग्न पर प्रभाव होने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन लग्न में अगर शनि होगा और मकर कुंभ तुला राशि के अलावा किसी राशि में होगा तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होगा तो उसका बाल्यकाल काफ़ी रोगग्रस्त भी होगा। हाँ, लेकिन मकर कुंभ या तुला राशि का शनि होगा तो बिल्कुल कोई कष्टकारी नहीं होगा। दूसरे राशि में भी हो लेकिन अगर उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि होगी तो रोगकारी नहीं होगा। इसका ट्रांजिट गोचर, जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो अगर किसी की कुंभ लग्न है तो इसका गोचर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि ग्रह मौलिक चिंतन विकसित करता है, शनि विद्यार्थी को मेहनती बनाता है, जुझारू प्रवृत्ति लाता है, शनि रिसर्च और अनुसंधान का ग्रह है। जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े इंजीनियर होते हैं। शनि की कृपा से कार्यों में निरंतरता बनी रहती है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में भी शनि ही सहायक होता है। कुंडली में शनि पहले भाव में हो तो विद्यार्थी शोध से जुड़े कार्यों में रुचि लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भाव में शनि ऐसे छात्रों को बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा परिपक्व बनाता है। ऐसे छात्र अनुशासित, समय के पाबंद, गंभीर स्वभाव वाले और जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर शनि लग्न में हो और मंगल नवम भाव में हो तो ऐसा जातक मानसिक असंतुलन का भी शिकार होता है, माने पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि शनि के बारे में अध्ययन करने के लिए गंभीरता और सम्यक ज्ञान दोनों आवश्यक है। एकांगी पहलू पर ध्यान देकर के कोई फलादेश करना जल्दबाजी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।